यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। पंडित जी, वक्त तो बहुत कम बचा है, आप लोग तो पूरा कॉन्फिडेंट हैं, लड्डू वगैरह बनवा लिए हैं, लड्डू मतलब ऐसे ही बेकार में फेंकना तो नहीं पड़ जाएगा? सुशांत जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, आज पूरी देश की जनता भी बहुत उत्साह में है, मंग में है, विश्वास में है, क्योंकि सबने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया है। और जब कैंपेन करते हैं ना नेता, तो नेताओं को इस बात का अंदाजा जरूर हो जाता है पब्लिक के बीच से किस प्रकार की वाइब्स निकल के आ रही है, जनता का रुझान किस तरह का है। अगर उसके बाद भी कोई नेता झूठा दावा करे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए कर रहा होता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कुछ वाइब्स तो इंडिया अलायंस वालों ने भी पकड़े हैं ना, हो सकता है उनका वाइब सही पकड़ा हो, आपका एंटीना गड़बड़ाया हो। नहीं, वाइब्स अगर सही पकड़ा होता तो वो जिस तरह के नेगेटिव बातें करना शुरू कर चुके हैं ना, वो नेगेटिव बातें नहीं कर रहे होते। कल जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी ने ईवीएम को लेकर के ठीकरा फोड़ने का प्रारंभ किया है, जयराम रमेश जी ने 150 डीएम की बात करना प्रारंभ किया है, इस प्रकार की अफवाहें, डेस्पिरेशन की बातें, ये स्पष्ट करती है कि वो चुनाव का परिणाम क्या है, वो चुनाव के परिणाम को समझ चुके हैं। अपने कार्यकर्ताओं को दिलासा देने के लिए बार बार इस तरह की बात कर रहे हैं। नेहा यादव जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। नेहा जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन ये बताइए क्या लग रहा है, अब आपको ज्यादा समय बचा नहीं है। सुशांत जी, सुबह का नमस्कार। आज सुबह की जो किरण है, जो सूरज जी, दो सेकंड आपको रुक रहा हूं, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर आ रही है, दर्शकों को ये तस्वीर समझनी चाहिए। देखिए, इंदौर में स्ट्रांग रूम खुल रहा है, वो स्ट्रांग रूम जहां पर ईवीएम रखे जाते हैं, और आप देखिए कितनी भीड़ है। हर पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर जो है वो वहां पर, पोलिंग एजेंट जो है वो मौजूद है। देखिए उसके सामने स्ट्रॉन्ग रूम खोलने के पहले बकायदा इन लोगों को सबको दिखाया जाता है कि देखो जैसे सील लगी हुई थी, लगी है ना, जो अच्छा जो सील लगती है उस पे साइन होता है इन लोगों का, हर पार्टी के लोगों का, उसके सामने सब खुलता है। देखिए सब खड़े होकर देख रहे हैं, और उसके बाद जब खुलेगा तभी अंदर जाएंगे और वहां से जो है ईवीएम निकलेगा, सबके सामने निकलेगा, सबके सामने टेबल पे जाएगा और सबके सामने गिनती होगी।